ऑपरेट था, कितने सेकंड्स में कितने टाइम में जो है पेशेंट को यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गई और क्या प्रोसेस देख रहे हैं? जैसे ही कोविड का पेशेंट हमारे पास आया, जैसे ही हम एम्बुलेंस से उतरा और हमने उसके पल्स ऑक्स चेक किया, बीपी देखा और तुरंत ही इसको हमने ऑक्सीजन दी। इसमें हमें कम से कम 2 मिनट 20 सेकंड का समय लगा। पिछली बार जब मॉडरेट हुई थी तब कितना मिनट था सर, और अभी कितना डिफरेंस देखने को मिला? लगभग लगभग 10 से 20 सेकंड का डिफरेंस है। 10 से 20 सेकंड पहले हम अपना ऑक्सीजन स्टार्ट कर दिया। सर, जिला मेडिकल अस्पताल कितने बेडों के साथ में तैयार है नए वाले कोविड को लेकर? अगर पुरानी वेव के हिसाब से देखें तो हम मिनिमम 400 बेड का हमारा कोविड अस्पताल है। जैसे भी सिचुएशन होती है उस हिसाब से वो ऐड हो जाते हैं बेड। और क्या क्या चेंजेस, क्या क्या सुविधाएं सर, अब अगर कोविड अगर एक बार फिर से बढ़ता है और मरीज बढ़ते हैं तो मेडिकल में क्या क्या सुविधाएं अभी इस समय उपलब्ध हैं? ऑक्सीजन सप्लाई पहले से बेहतर हुई है, ऐसे प्लांट बन गए हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन में कोई बाधा नहीं आएगी और सभी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं जो कि कोविड से रिलेटेड हैं। ये सब सुविधाएँ हमारे पास उपलब्ध हैं। सर, नए वाले बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज़ देखी जा रही है जो कि लोगों को परेशान कर रही है? नए वाले जो एक वेरिएंट है, बेसिकली ये कोविड 19 ही है लेकिन उसका वेरिएंट है। इसमें क्या है कि अभी उतना घातक नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई भी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट आता है, जैसे कि शुगर का मरीज है पुराना, वो टीवी का मरीज है, इस तरह के कोई भी मरीज आता है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत का सबब है और उसकी वजह से वो एडमिशन हो रहा है, वरना तो होम आइसोलेशन ही बेटर है। कोई मरीज़ भर्ती है सर इस समय? कोई मरीज़ भर्ती नहीं है। थैंक यू।